तरह के लोग हैं। मान लीजिए दोनों को एक बीमारी है, मगर एक का ध्यान सुख पर होता है और वो संभावनाओं में जीते हैं, वो उम्मीदों में जीते हैं। उनका ध्यान उन सभी कारणों पर होता है जिनसे वो हमेशा खुश रहते हैं। और दूसरे किस्म के लोग, बीमारी वही है मगर उनका ध्यान बीमारी पर होता है, उनका ध्यान दर्द पर होता है और उससे आई मुसीबत पर होता है। जब किसी व्यक्ति का पूरा ध्यान उसकी बीमारी पर होता है तो वो उसे स्थायी बना देते हैं। बीमारी तब तक ठीक नहीं होगी जब तक उसका ध्यान ठीक होने पर नहीं जाता, क्योंकि यही आकर्षण का सिद्धांत है। खुशनुमा एहसास शरीर में यकीनन खुशनुमा बदलाव लाते हैं। एक खुशनुमा सेहतमंद शरीर, बुरे एहसास और तनाव हमारे शरीर को खोखला करते हैं और दिमाग पर बुरा असर डालते हैं, क्योंकि हमारे विचार और एहसास लगातार हमारे शरीर पर काम करते हैं, उसे संगठित करते हैं और उसके अंगों को बनाते रहते हैं। शरीर से शारीरिक तनाव को निकाल दें तो शरीर वही करेगा जो उसका बुनियादी काम है, अपने आप को ठीक करना। मैंने गुर्दों को फिर से सुधरते देखा है, यहाँ तक कि कैंसर भी ठीक हुए हैं, आँखों की रोशनी तक वापस आते देखी है मैंने। मैं मानता हूँ लाइलाज का इलाज हमारे मन में है। अपनी जिंदगी आप बदल सकते हैं, खुद को ठीक कर सकते हैं। Well, 10 मार्च 1981 का दिन मैं कभी नहीं भूल सकता। इसने मेरी जिंदगी हमेशा के लिए बदल के रख दी। मेरा प्लेन क्रैश हो गया था। मुझे लकवे की हालत में अस्पताल लाया गया। मेरी रीढ़ की हड्डी कुचल गई थी, मेरे पहले और दूसरे सर्वाइकल वर्टिब्रे टूट चुके थे, मेरी निगलने की शक्ति नष्ट हो गई थी, मैं न खा सकता था न पी सकता था, मेरे फेफड़े नष्ट हो गए थे तो मैं सांस नहीं ले पाता था, मैं सिर्फ पलकें झपका सकता था। डॉक्टरों ने कह दिया था कि मैं जिंदगी भर बेजान सा रहूंगा, बस पलकें ही झपका सकूंगा। ये उनकी सोच थी, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा। असल बात थी कि मैं क्या सोचता था। मैं अपने आप को एक नॉर्मल इंसान की तरह देखने लगा जो उस अस्पताल से चलकर निकलेगा। मुझे सिर्फ अपने दिमाग से काम करना था और अगर दिमाग आपका साथ दे तो आप चीजों को फिर से समेट सकते हैं। उन्होंने कहा मेरे फेफड़े बेकार हो चुके हैं और मैं फिर कभी खुद सांस नहीं ले पाऊंगा, लेकिन अंदर से एक आवाज मुझसे कहती रही, गहरी सांस लो, गहरी सांस लो। आखिरकार मैं खुद सांस लेने के काबिल हो गया। वो समझ नहीं पाए कि ये कैसे हुआ। मैंने अपने दिमाग में किसी ऐसी बात को नहीं आने दिया जो मेरे लक्ष्य और मेरे संकल्प को मुझसे अलग करती। मैंने ठान लिया था कि मैं क्रिसमस के दिन अस्पताल से चलकर निकलूंगा, यही मेरा लक्ष्य था। आठ महीने बाद मैं खुद अपने दो पैरों पर चलकर अस्पताल से बाहर निकला। उन्होंने कहा था ये नामुमकिन है। वो दिन मैं कभी नहीं भूलूंगा। वो लोग जो इस वक्त इस प्रोग्राम को देख रहे हैं और जो किसी तकलीफ में हैं, अगर मुझे उनको अपनी जिंदगी का सार बताना हो और अगर मुझे उनकी जिंदगी का सार बताना हो तो मैं 7 शब्दों में कहूंगा, इंसान वही बनता है जो वो सोचता है। जब भी लोग अपनी पसंद की कोई भी चीज देखते हैं तो कहते हैं हाँ ये अच्छा है, मुझे ये चाहिए। लेकिन जब वो उन चीजों को देखते हैं जो वो नहीं चाहते
तब भी वो उसे उतनी ही ऊर्जा देते हैं, ये सोचते हुए कि वो उसे दबा देंगे, उसे खत्म कर देंगे, मिटा देंगे। हमारे समाज में हम लड़कर संतुष्ट हो जाते हैं, चाहे वो लड़ाई कैंसर के खिलाफ हो, गरीबी के खिलाफ हो, ड्रग्स के खिलाफ हो, आतंक के खिलाफ या फिर हिंसा के खिलाफ हो। हम हर उस चीज से लड़ते हैं जिसे हम नहीं चाहते। जिस चीज पर भी हम ध्यान लगाते हैं उसे बनाते हैं। मान लीजिए हम अपना गुस्सा युद्ध पर, झगड़े पर या तकलीफ पर निकाल रहे हैं, तो हम उसमें अपनी ऊर्जा जोड़ रहे हैं, खुद को उसमें झोंक रहे हैं। उससे सिर्फ प्रतिरोध ही पैदा होता है। जिसका आप विरोध करते हैं उसे आप दृढ़ता देते हैं। इसकी वजह यह है कि जब आप किसी चीज का विरोध करते हैं तो आप कहते हैं कि मुझे ये नहीं चाहिए क्योंकि मुझे इससे अच्छा नहीं लगता। तो आप उसी एहसास को व्यक्त करते हैं जो आपको अच्छा नहीं लगता, और इसी कारणवश वो बार बार आपकी ओर आता है। जंग की खिलाफत से जंग और बढ़ेगा, ड्रग्स की खिलाफत से और भी ज्यादा ड्रग्स बनेंगे, क्योंकि हमारा फोकस उस पर है जिसे हम नहीं चाहते। ये कहाँ की अक्लमंदी है कि हम समस्याओं में अपनी पूरी ऊर्जा झोंकते, बजाय इसके कि हमारा ध्यान विश्वास, प्यार, सुख समृद्धि, शिक्षा और शांति पर हो। मदर टेरेसा ने कहा था, मैं कभी युद्ध विरोधी रैली में नहीं जाऊंगी, अगर शांति की रैली हो तो मुझे बुलाइए। उन्होंने रहस्य को जाना और देखिए दुनिया को क्या देकर गई। तो अगर आप युद्ध विरोधी हैं तो शांति का पक्ष लीजिए, अगर आप भूख विरोधी हैं तो उनका पक्ष लीजिए जिनके पास खाने की कोई कमी नहीं। अगर आप किसी खास नेता के विरोधी हैं तो उसके विरोधी का पक्ष लीजिए। अक्सर इलेक्शन में वही नेता जीतता है जिसका लोग विरोध करते हैं, क्योंकि सबकी ऊर्जा, सबका ध्यान उसकी तरफ है। तो आपका फोकस उस पर हो जिसे आप चाहते हैं। जो आप नहीं चाहते उसे देखने में बुराई नहीं है, सिर्फ तुलना करने के लिए कि ये मुझे नहीं चाहिए। लेकिन सच्चाई यही है कि जो आप नहीं चाहते उसी के बारे में ज्यादा से ज्यादा बोलते हैं, ज्यादा से ज्यादा पढ़ते हैं और देखते हैं, और ऐसा करके आप उसी की और रचना करते हैं। बहुत से लोग मुझसे कहते हैं, जेम्स मुझे जानकारी तो होनी चाहिए, जानकारी जरूर होनी चाहिए मगर उसकी भरमार नहीं होनी चाहिए। मेरा मानना है कि जब आपके मन की आवाज बाहरी नजरियों और मशवरों से ज्यादा ताकतवर हो जाए तो आप अपनी जिंदगी के मालिक बन जाते हैं। पहले स्थिर होना सीखिए और आप जो नहीं चाहते हैं उससे अपना ध्यान हटा लीजिए, और उससे जुड़ी अपनी सारी भावनाओं से भी। फिर अपना सारा फोकस उस पर ले आइए जो आप चाहते हैं। ऊर्जा वहीं बहती है जहां ध्यान जाता है। दुनिया को बदलना आपका काम नहीं है, ना ही लोगों को बदलना। आपका काम है सृष्टि के बहाव के साथ बहना और इस दुनिया में अपनी जिंदगी का भरपूर आनंद उठाना। एक सवाल जो शायद किसी के दिमाग में घूम रहा हो, भले ही वो सवाल आपके दिमाग में ना आया हो, और वो ये कि अगर सभी रहस्य का इस्तेमाल करते हैं और सभी सृष्टि को मेन्यू कार्ड की तरह समझते हैं तो क्या सारी चीजें खत्म नहीं हो जाएंगी? क्या सभी उस खजाने को लूटने के लिए दौड़ नहीं पड़ेंगे? इस रहस्य के उपदेशों की सबसे खूबसूरत बात यह है कि ये हम सभी के लिए पर्याप्त से बहुत ज्यादा है। एक झूठ फैला है जो मानवता के दिमाग में किसी वायरस की तरह काम करता है, और वो झूठ ये है कि दुनिया में पर्याप्त अच्छाई नहीं है, उसमें कमी है, उसकी सीमाएं हैं, और वो हम सबके लिए पर्याप्त नहीं है। और इसी झूठ की वजह से लोग जीते हैं डर में, लालच में, कंजूसी में, और यही डर, लालच, कंजूसी और अभाव के विचार उनका एहसास बन जाते हैं। दुनिया तो जैसे किसी बुरे सपने में जी रही है। सच्चाई ये है कि अच्छाई पर्याप्त से कहीं ज्यादा है, पर्याप्त से कहीं ज्यादा रचनात्मक विचार है, कहीं ज्यादा शक्ति है, कहीं ज्यादा प्यार है, कहीं ज्यादा आनंद है, और ये सारी चीजें एक ऐसे दिमाग की उपज हैं जो जानता है अपनी अनंत प्रकृति के बारे में। हर महान उपदेशक जो पृथ्वी पर जन्मा है उसने यही कहा है कि जीवन को पूरे सुख और समृद्धि में जीना चाहिए। तो जब भी हमें लगता है कि संसाधन कम हो रहे हैं तो हम अपने लिए नए संसाधन ढूंढ लेते हैं। हम ऐसा सोचने लगते हैं कि अभाव है क्योंकि हमारे चारों ओर जो कुछ भी है हमारी दृष्टि नहीं देख पाती। जब हर इंसान दिल से जीता है और जो चाहता है उसे पाने की कोशिश करता है तो सबकी चाहत एक जैसी नहीं होती। यही इसकी खूबसूरती है। हम सभी को BMW नहीं चाहिए,
हम सभी को एक ही शख्स नहीं चाहिए, हम सभी को एक ही तजुर्बा नहीं चाहिए, हम सभी को एक ही जैसे कपड़े नहीं चाहिए, हम सभी के पसंद अलग हैं। किसी के लिए कोई अभाव नहीं, अगर इस पर भरोसा है, इसे देख सकते हैं, इस पर अमल करें, इसका असर दिखाई देगा, यही सच है।